हाय बच्चों, आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि गेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपका बेस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ वी ए माइनस वी वी का वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, वो 6 वोल्ट है, मतलब आपको वी ए माइनस वी वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 6 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, तो पूछा गया वी सी माइनस वी डी कितना होगा, मतलब वी सी माइनस वी डी। अब देखिए ये कहाँ पर आपका पोटेंशियल दिया है, तो वी ए देखिए यहाँ और वी बी यहाँ, ठीक है, इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है। तो आपको पूछा गया है कि वी सी और माइनस वी डी ये वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए अगर मान लेते हैं ये आपका क्लोज सर्किट है सपोज डेट, और इसमें पूरे में करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई। ठीक है, और यहाँ एक और काम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसी सर्किट में क्योंकि यहीं का वैल्यू दिया है आपको वी सी माइनस वी डी निकालना है, तो आप इस क्या करोगे, इस सर्किट में कुछ चेंजिंग करोगे। क्या चेंज, मान लीजिए वी ए पॉइंट है यहाँ पे और ये रेजिस्टेंस तो आर ही, यहाँ पे आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो वी बी है और इस जगह का रेजिस्टेंस आर गिवन है। और यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे करंट सोर्स है जो कि पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। अगर इसको हम लोग सोर्स कन्वर्शन, मतलब करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इसका कन्वर्शन कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 1 मतलब 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका रेजिस्टेंस अब क्या हो जाता है, सीरीज में कनेक्टेड हो जाता है, तो रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस। और इसमें जो करंट आपका फ्लो कर रहा है वो करंट क्या जा रहा है, सब में आई करंट जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो करंट का डायरेक्शन रेफरेंस इधर क्लॉकवाइज दिखाया गया है। तो सबसे पहले आपको देखिए वी ए माइनस वी बी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये आपका अगर 6 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इक्वेशन यहाँ पर लिखा जाए यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे वी ए है तो वी ए लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये करंट का डायरेक्शन देखिए ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव को हम लोग क्या लेते थे, माइनस लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस एंड करंट, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई आर होता है ना, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए और फिर क्या होगा, यहाँ का आपका यहाँ का वोल्टेज क्या है, वी, तो यहाँ का डिफरेंस हो गया वी वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, यानी वी ए माइनस वी वी जो होगा वो 2i के बराबर हो जाएगा, 2i होगा। तो देखिए ये वैल्यू गिवन था ऑलरेडी, 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2i, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, ये 3 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो किया, अब हम लोगों को करंट का पता चल गया, यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, इस जगह का बी सी माइनस बी डी का वैल्यू लिखेंगे। तो आप देखिए करंट के डायरेक्शन के अनुसार अगर चलते हैं, तो मान लीजिए करंट ये था आपका पॉइंट क्या था, बी सी, ये पॉइंट क्या था, यहाँ पे बी डी था। ओके, तो इसके अनुसार अगर चलेंगे तो करंट का डायरेक्शन इधर की ओर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बी डी माइनस, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव होगा ये और ये क्या होगा, निगेटिव। यहाँ का ड्रॉप क्या होगा, आई इंटू आर, तो करंट आपको तो मालूम है, करंट अब मालूम हो गया है, कितना करंट जा रहा है, तो करंट जो आ रहा है 3, और रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ठीक है, फिर देखिए ये पॉजिटिव है प्लेट और ये क्या है, निगेटिव, प्लस माइनस को क्या लेते हैं, माइनस, और ये ऑलरेडी वोल्टेज सोर्स है तो ये 2 वोल्ट हो गया, और फिर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वी सी इक्वल क्या लिखेंगे, 0। आपको निकालना है वी सी माइनस वी डी, एक काम करो ये वी डी बी सी को उधर ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा, -3 -2, इधर क्या हो जाएगा, बी सी इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वी डी इधर जाएगा तो निगेटिव, सब कुछ चेंज कर दिया तो साइन चेंज हो गया, तो फाइनली जो वी सी माइनस वी डी का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, -5 वोल्ट। तो दिस इज योर आंसर, तो -5 वोल्ट यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जो वी सी माइनस वी डी होगा वो कितने के बराबर होगा, विथ निगेटिव से -5 वोल्ट होगा, क्या होगा, -5 वोल्ट आंसर होगा इसका। ओके, तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल था। ओके।